हे गाइस, बैकनोल जो क्वेश्चन जीके। तो गाइस, इस वीडियो में हम वीकली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। टॉप एमसीक्यू क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आने वाले जितने भी अपकमिंग एग्जाम हैं सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। ओके, तो गाइस टॉप क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आने के चांसेस हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। विदाउट वेस्ट योर टाइम लेट स्टार्ट। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सैटेलाइट इज यूज्ड फॉर फास्टर इंटरनेट कनेक्टिविटी। ओके, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, जी सेट 11। ये सैटेलाइट है जो फास्ट इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए लॉन्च हुई है। ओके, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन इज, इंडिया एंड दिस कंट्री साइन ए लोन एग्रीमेंट। इंडिया एंड इनमें से कौन सी कंट्री ने लोन एग्रीमेंट साइन किया है जो कि 1817 करोड़ का जो कंस्ट्रक्शन के लिए जो लोन साइन किया है। ओके, तो जो आपका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, जापान। ठीक है, एंड आपको पता होना चाहिए कि जापान की जो कैपिटल है वो क्या है, वो है टोक्यो। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इकाना इंटरनेशनल स्टेडियम, इस स्टेडियम का नाम चेंज करके भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम रख दिया गया। तो आपको पता है कि हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी, इनकी हाल ही में डेथ हो गई थी और इनको ऑनर करने के लिए इस स्टेडियम का नाम चेंज करके इन पे नाम पे रख दिया गया। तो आपका क्वेश्चन है कि ये कहाँ पे लोकेट करता है। ओके, तो गाइस काफ़ी आसान क्वेश्चन है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, लखनऊ। एंड लखनऊ आपको पता है कि यूपी की कैपिटल है। ठीक है, गोवा की कैपिटल क्या है, गोवा की कैपिटल है पणजी। नेक्स्ट वन इज, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड द मो बस सर्विस। मो बस सर्विस ये किस स्टेट ने लॉन्च करी है हाल ही में। ओके, नीचे आपके ऑप्शन है, तो जो आपका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, ओडिशा। ओके, नेक्स्ट वन इज, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक। एक बुक लॉन्च हुई है जिसका नाम है नोट्स ऑफ ड्रीम। नोट्स ऑफ ड्रीम ये बुक बायोग्राफी है A.R. रहमान की। ओके, और इस बुक के जो ऑथर हैं आपको उनका नाम बताना है। तो जो आपका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, कृष्णा त्रिलोक। कृष्णा त्रिलोक इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज द फर्स्ट WHO। सबसे पहले आपको WHO की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन एयर पोल्यूशन एंड हेल्थ, ये कॉन्फ्रेंस जो हुई है इनमें से किस सिटी में हुई है। ओके, तो आपको इसका सही आंसर बताना, जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन वी, जनेवा। एंड आपको ये भी पता होना चाहिए कि WHO का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है। तो गाइस उसका सही आंसर वो भी जनेवा ही है। ठीक है, जनेवा ही हेडक्वार्टर है WHO का। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट वन इज, 2018 वर्ल्ड टसुनमी अवेयरनेस डे ये कब मनाया गया। तो हर साल मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 5 नवंबर को। हर साल 5 नवंबर को मनाया जाता है ये दिन। नेक्स्ट वन इज, विद विच गवर्नमेंट इंडियन रेलवे लॉन्च्ड ई मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये, ई मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना। तो ये योजना है किस स्टेट ने लॉन्च की है। ओके, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, दिल्ली। दिल्ली गवर्नमेंट के जो डिप्टी सीएम हैं मनीष सिसोदिया, इन्होंने जो स्कीम लॉन्च करी है, ये स्कीम है जो ओल्ड एज के जो होते हैं व्यक्ति, उनके लिए जो टोटल 5 जो प्लेसेस हैं वहाँ के लिए उनके लिए स्कीम लॉन्च की है, की गई है टूरिज्म के तौर पे। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। नेक्स्ट वन इज, हु वाज अपॉइंटेड प्रेजिडेंट ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड। 2 नवंबर को ये क्वेश्चन हुआ था, तो आपको बताना है कि इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के जो न्यू प्रेसिडेंट बने हैं वो कौन बने हैं। तो वो बने हैं ऑप्शन ए, इयान लोविट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेम ऑफ द वाइस एडमायरल हु पास्ड अवे रिसेंटली। इनमें से नेवी के जो वाइस एडमायरल रह चुके हैं वो पास्ड अवे हो गए हाल ही में, उनका आपको नाम बताना है। तो गाइस उनका नाम है ऑप्शन ए, MP अवाटी। नेक्स्ट वन इज, फर्स्ट लिटिल इंडिया गेट। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, फर्स्ट लिटिल इंडिया गेट ये कहाँ पे इनाग्रेट हुआ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं। तो ये इनाग्रेट इंडिया में कहीं नहीं हुआ, ये हुआ है इंडोनेशिया में। ओके, तो सिटी का नाम है मेडान, इंडोनेशिया में। नेक्स्ट वन इज, विच टीम वोन द 5th SAF अंडर 15 चैम्पियनशिप 2018 जो कि नेपाल में हुई थी। इस टीम, इसके जो विनर हैं वो कौन सी टीम रही है। ओके, तो गाइस वो रही है बांग्लादेश,
एंड अगेन बांग्लादेश की जो कैपिटल है वो है ढाका, एंड जहाँ की जो करेंसी है वो है टका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, फिफ्थ इंडियन बने हैं जो आईसीसी हॉल ऑफ फेम से इनका नाम जुड़ गया है, तो आपको उनका नाम बताना है। तो गाइज उनका नाम है राहुल द्रविड, ठीक है, जिनको वॉल ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम कहा जाता था। ओके, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच इंडियन सिटी टॉप्स इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी सेफ्टी एंड रैंक्ड इन द बेस्ट अमंग द बिग सिटी, सबसे बड़ी सिटी इंडिया में जितनी बड़ी सिटीज़ हैं उनमें से सबसे इस सिटी ने रैंक किया है सेफ्टी के मामले में। ओके, तो गाइज उस सिटी का नाम है न्यू दिल्ली। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, फर्स्ट टाइम मेरे ख्याल में ऐसा हुआ कि न्यू दिल्ली में किसी इवेंट में टॉप किया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। उसके बाद आपका क्वेश्चन है, विच स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट लॉन्च्ड ए स्माइल विचुअल टूर गाइड, ठीक है, ये एक साइट है जो इन्होंने लॉन्च की है, इनमें से किस स्टेट ने जो कि टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, उनको गाइड करने के लिए टूरिज्म को लॉन्च की है, तो गाइज उस स्टेट का नाम है केरला। नेक्स्ट वन इज इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल 2018 जो कि मेघालय में हुआ था, आपको बताना है मेघालय में कहाँ पे हुआ था। ओके, तो गाइज वो हुआ था, आपको पता होना चाहिए मेघालय की कैपिटल क्या है, तो मेघालय की कैपिटल है शिलोंग, ठीक है, तो शिलोंग में ही हुआ था। नेक्स्ट वन इज इंडिया इंटरनेशनल चेरी, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, आपको पता है इसका आंसर है शिलोंग। नेक्स्ट वन, हु रिसीव्ड एक्सीलेंस इन 2018 फाइनेक्स्ट अवार्ड, ठीक है, तो आपको उनका नाम बताना है जिनको ये अवार्ड दिया गया 2018 का, ठीक है, तो गाइज उनका जो नाम है वो है संजय गडीपटी। नेक्स्ट वन इज द सेकंड सक्सेसफुल नाइट ट्रायल, अग्निवन का जो फर्स्ट नाइट को ट्रायल हुआ था सेकंड, ठीक है, तो आपको बताना है इनमें से किस कोस्ट ने ये कंडक्ट किया था। ओके, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, ओडिशा कोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अतुल कुमार गोयल, अतुल कुमार गोयल इनको MD एंड CEO बना दिया गया इनमें से किस बैंक का, तो वो बना दिया गया इनको जुको बैंक का। ओके, जुको बैंक का न्यू CEO एंड MD बने हैं, उनका नाम है अतुल कुमार गोयल। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बैंकिंग के लिए। नेक्स्ट वन इज इंडियाज फर्स्ट जस्टिस सिटी, इंडिया की फर्स्ट जस्टिस सिटी बन चुकी है, इनमें से कौन सी सिटी ही जस्टिस सिटी बन चुकी है इंडिया की, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो गाइस उस सिटी का नाम बताना है आपको, वो सिटी कहाँ पे है, तो वो सिटी है आंध्र प्रदेश में। ओके, तो उस सिटी का नाम है अमरावती, आपको पता कि आंध्र प्रदेश की कैपिटल है वो है अमरावती, तो अमरावती ही जस्टिस सिटी ऑफ इंडिया, फर्स्ट जस्टिस सिटी ऑफ इंडिया बन चुकी है। नेक्स्ट वन इज द फिफ्थ वर्ल्ड बुद्धिस्ट फोरम, जे कहाँ पे हुआ था, तो जे हुआ था ऑप्शन सी पुतियान चाइना में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इंडिया एंड जापान फर्स्ट ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, इंडिया एंड जापान के बीचकार फर्स्ट मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम है धर्म गार्डियन 2018, ये कहाँ पे शुरू हुई थी। ओके, तो गाइस ये शुरू हुई थी मिजोरम में, और आपको पता होना चाहिए मिजोरम की कैपिटल क्या है, मिजोरम की कैपिटल है आइजोल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डिजिटल लिटरेसी लाइब्रेरी जे प्रोवाइडिंग सेफ्टी टिप्स फॉर यूजर्स इन 6 इंडियन लैंग्वेज, ओके, तो किस कंपनी ने ये लॉन्च किया है, तो गाइस गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, इनमें से जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी फेसबुक, एंड फेसबुक के जो CEO हैं वो हैं मार्क जकरबर्ग। ओके, तो काफ़ी सुर्खियों में रही थी फेसबुक, इन्होंने डाटा भी लीक किया था, तो इस वजह से काफ़ी सुर्खियों में रही थी फेसबुक। ओके, तो फेसबुक ने 6 इंडियन लैंग्वेज में प्रोवाइड करवाई है जी डिजिटल लिटरेसी लाइब्रेरी, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। नेक्स्ट वन इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एयरपोर्ट, दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन चुका है, एयरपोर्ट टर्मिनल अंडर वन रूफ, तो उस सिटी का आपको नाम बताना है जहाँ पे ये ओपन हुआ है। ओके, तो आपको बता दूँ इसमें एक टाइम 90 मिलियन जो व्यक्ति हैं वो एक साथ इकट्ठे हो सकते हैं, तो आपको उस सिटी का नाम बताना है, उस सिटी का नाम है इस्तांबुल। ओके, इस्तांबुल जो कि तुर्की में है, तुर्की कह सकते हैं आप, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड इन्होंने ये भी बताया कि अगले 10 साल में ये काम करेंगे और 200 मिलियन जो हैं लोग उस एयरपोर्ट टर्मिनल के अंदर आ सकते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ऐश्वर्या शर्मा
इंडियन ब्रांड एम्बेसडर बन चुकी हैं जे, इनमें से किस कंपनी की? ओके, तो गाइस जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, महेंद्र सिंह फाउंडेशन कंपनी के जे ब्रांड एम्बेसडर बन चुकी हैं। तो जे फैशन से बिलोंग करती हैं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, एग्जाम में आपको आ सकता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन है, हु हैज़ टेकन चार्ज एज दी एयर ऑफिसर इन चार्ज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ IAF। ओके, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, प्रदीप बापत। नेक्स्ट वन इज इंडिया एंड दिस कंट्री, इंडिया एंड इस कंट्री ने MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है फॉर स्ट्रेंथनिंग कोऑपरेशन इन फील्ड ऑफ टूरिज्म रिसेंटली। तो वो जो दूसरी कंट्री है उसका आपको नाम बताना है। तो गाइस उस कंट्री का नाम है साउथ कोरिया। नेक्स्ट वन इज द अरब कंट्री, इनमें से कौन सी अरब कंट्री है जो होस्ट 23rd एडिशन ऑफ वर्ल्ड कॉर्पोरेट गेम्स 2019 की जो वर्ल्ड कॉर्पोरेट गेम्स होंगी उसको, तो वो कौन सी कंट्री बनी है, कौन सी कंट्री होस्ट करेगी? तो गाइस वो करेगी कतर। ओके, एंड कतर की जो कैपिटल है वो है दोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ब्रांड एम्बेसडर ऑफ 2018 वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप, 2018 की जो वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप होगी उसकी जो ब्रांड एम्बेसडर हैं इनमें से कौन बनी है? तो काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी है, उनका नाम है एम सी मेरी कॉम, जिन पे फिल्म भी बन चुकी है, इन्होंने ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ओके, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, एग्जाम में आपको आ सकता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन है, आपको पता है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पे दुनिया की सबसे बड़ी स्टैचू तैयार किया गया, कहाँ पे? नर्मदा गुजरात में तैयार किया गया, ऑनर किया गया जो सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनके बर्थ एनिवर्सरी पर। तो ये इसकी जो टोटल हाइट है वो है 180 मीटर, ठीक है, 180 मीटर जिसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं फीट में, 600 फीट इसकी जो हाइट है। दुनिया की सबसे लंबी सबसे बड़ी जो स्टैचू है वो बन चुकी है जी, स्टैचू ऑफ यूनिटी, ठीक है। तो गाइस टोटल जो इसके लिए खर्चा आया था वो भी आपको बता दूँ, 3000 करोड़ इसका जो खर्चा आया था, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि इस जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है इसको डिज़ाइन किसने किया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। इसको डिज़ाइन किया था ऑप्शन डी, राम वी सूत्र ने इसको डिज़ाइन किया था। तकरीबन 3 साल लग गए इस स्टैचू को बनते बनते। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल डीजी ऑफ ITBP, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के जो डीजी बने हैं न्यू, वो कौन बने हैं? आपको उनका नाम बताना है। तो वैसे उनका नाम है एस एस देसवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक ओनली इंडियन फिल्म के बारे में आपको बताना है जो BCCs में टॉप 100 बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म में 20 जो लिस्टेड हुई है। ओके, तो उस फिल्म का नाम क्या है? उस फिल्म का नाम है ऑप्शन सी, पत्थर पंचाली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेम ऑफ द फर्स्ट इंडियन हु वॉन एशियन स्नूकर टूर टाइटल इन चाइना। तो उनका आपको नाम बताना, फर्स्ट इंडियन है वो, तो गाइस पंकज अडवाणी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच टू कंट्रीज ज्वाइंट लॉन्च्ड द ओशियनोग्राफी सैटेलाइट लॉन्च की है, इनमें से दो कंट्री मिलके उन्होंने बनाया है, तो उन कंट्रीज का आपको नाम पता होना चाहिए, चाइना एंड फ्रांस। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। नेक्स्ट वन इज विच टीम गेट द ओवरऑल चैम्पियनशिप ऑफ फर्स्ट एडिशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स 2018। ओके, तो उस टीम का आपको नाम बताना है। तो गाइस उस टीम का नाम है मणिपुर। नेक्स्ट वन इज शोरा जलिंदी स्कीम बाज लोन, ये एक स्कीम है। ओके, तो ये स्कीम किसने लॉन्च की, इनमें से ये स्कीम किसने लॉन्च की? तो गाइस वो की है ओडिशा ने, ठीक है। निकोल जो पावर है उसको सोलर एनर्जी को बढ़ाने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हु वॉन 2018 फार्मूला वन ड्राइवर्स वर्ल्ड चैंपियनशिप। तो जब भी इस फार्मूला वन ड्राइवर की बात होती है तो सबसे पहले जो नाम आता है वो आता है लेविस हैमिल्टन का, ठीक है, तो ये इन्होंने ही जीती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2019, 2019 में इंडिया का रैंक कौन सा है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी कि सबसे ज़्यादा बेस्ट बिजनेस करने के लिए कंट्री? तो गाइस टॉप जो कंट्री है वो रही है न्यूजीलैंड,
उसके बाद सिंगापुर, उसके बाद डेनमार्क एंड इंडिया का आपको रैंक बताना। तो इंडिया का रैंक है 77। आपको पता है कि 23rd रैंक इंडिया ऊपर आया है। ओके, तो काफ़ी अच्छा लंबी छलांग लगाई इंडिया ने। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, ऐसे एग्जाम में जरूर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन हैज़ बीन डिक्लेयर दी बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट एट 2018 एशियन मेंस हॉकी चैंपियनशिप जो हुई है, तो बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन बने हैं? तो गाइस वो बने हैं आकाशदीप सिंह। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद आपका क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है जो आपका इस वीडियो का, वो है आदित्य पुरी ये रीअपॉइंटेड हुए हैं MD किस बैंक के? तो वो आपको बताना है। तो गाइस वो हुए हैं एच डी एफ सी बैंक के रीअपॉइंटेड हुए हैं, पहले भी ये थे, इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। तो ये थे टॉप MCQ क्वेश्चन जो कि आपके फर्स्ट वीक के, नवंबर के फर्स्ट वीक के इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन थे। ओके, सेकंड वीक की वीडियो आपको वीक खत्म होने के साथ ही मिल जाएगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई सजेशन है तो वो भी कमेंट करके कर सकते हैं। एंड गाइस आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, harry_kashyap8 ये मेरी आईडी है, वहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ओके गाइस, आपने मुझे समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।